सजा देकर ही इनको मुक्ति देगी। और मुझे तो ये लगता है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर घमासान मचा है कांग्रेस परिवार के अंदर, ये ठीक है कि उनके विचार परिवार को इसका नुकसान होगा, लेकिन हिमाचल के विकास पर भी इसका असर पड़ रहा है। और वो दिन दूर नहीं होंगे इस हिमाचल प्रदेश में भी इनके अपने कारनामों के कारण बड़ी जल्दी इस प्रदेश में प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार जैसे लोग आप देखेंगे। ये मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। और मित्रों, ऐसी झूठी गारंटियों के सहारे जो ये कांग्रेस के लोग सत्ता में आए हैं, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हीं झूठी गारंटियों के सहारे इस सरकार का पतन होगा, ज़्यादा इंतजार नहीं होगा। आज इनके पास गारंटियों को ज़मीन पे उतारने के लिए कोई रास्ता नहीं है और वो संभव भी नहीं है, लेकिन सत्ता के लिए इन्होंने जो कहना था वो कह दिया। केंद्र का विरोध करती है कि केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा है, केंद्र हमारे आर्थिक सहयोग को रोक रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश की कांग्रेस सरकार ये बताए कि पिछले 6 महीने में केंद्र सरकार का जो आपको सहयोग मिला है, कोई समाचार पत्र बता दे, कोई प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई रिकॉर्डिंग बता दे, एक बार भी उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है? मात्र विरोध इस प्रकार की मानसिकता से घिरी हुई ये हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार, इसके अंतर्गत हम सब जानते हैं कि जब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देश को अपना संबोधन दिया था, और जो संबोधन दिया था उसको मूर्त रूप देने का भी काम किया था। हमारी जो गरीब परिवार से जुड़ी हुई माता और बहनें थीं, उनको किस प्रकार से धुएं से निजात मिले, देश की माता और बहनों को मुफ्त गैस चूल्हा देने का काम किया था। गरीब जो परिवार थे जिनके बैंक में खाते नहीं खुलते थे, उनके मुफ्त खाते खोलने का काम किया था। यही नहीं, इसके अतिरिक्त हमारी हम सब के इस बात के गवाह है कि जो बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं, इसके अतिरिक्त चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जल मिशन योजना, ऐसी अनेकों योजनाएं प्रधानमंत्री ने शुरू करके देश के हर परिवार की नब्ज को छूने का काम किया।